सुबह 12:15 पहले तो दुकान में एक सज्जन आए, करीबन क्रूड अवस्था में थे और एक ब्लैक कलर का चश्मा और टोपी लगाए हुए थे। उम्र करीबन उनकी 60-62 साल होगी। तो आते ही उन्होंने कहा कि भाई एक चांदी का वो ताबीज़ आता है वो दिखा, उनको ताबीज़ दिए, ताबीज़ के उन्होंने पैसे दे दिए मेरे को। फिर कहा कोई गिफ्ट आइटम दिखा दो, एक दो ग्राम का उनको गिफ्ट आइटम दिखाया। तो उन्होंने और दिखा करके 2-3 आइटम देखे और फिर उन्होंने उसके अंदर से 2 सोने की अंगूठी और एक सोने का पेंडल छोटा करीबन 7 ग्राम वजन था, करीबन 23-24 हज़ार रुपये आइटम था। किस तरह से आपको बातों में उलझा कर उन्होंने ये खरीदी की बातों के अंदर कि भाई ये आइटम नहीं चाहिए, ये दिखाओ, ये नहीं, ये वाला आइटम दिखाओ, इस तरह से उन्होंने बातों में उलझा लिया। दोनों लोग साथ आए थे, अलग 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 आए थे। पहले एक सज्जन आए थे टोपी वाले, उनके बाद में दूसरे सज्जन आए थे। उसके बाद आपने कंप्लेंट करी है? कंप्लेंट पुलिस थाने में फ़ोन किया हुआ है, वो साहब ने कहा कि अभी आके हम कमवाई ना करेंगे। आए दिन घटनाएं हो रही है, आप जागरूक हैं फिर भी इस तरह से आगे सीसीटीवी कैमरे लगे तो फिर भी ऐसी घटनाएं किस तरह से हो रही है? ये तो किशनगढ़ के अंदर 3-4 दुर्घटनाएं पहले हो चुकी है और ये मुझे लगता है कि